हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। और वीडियो के इस पार्ट 17 के अंदर भी हम इवोल्यूशंस टॉपिक को ही कवर करेंगे, और उसके अंदर भी हम स्पीसिएशंस का टॉपिक, जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था, उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसका जो लास्ट फोर्थ पार्ट है हमारा, आइसोलेशंस ऑफ पॉपुलेशंस, उसको वीडियो के इस पार्ट के अंदर समझेंगे और इसके कंसेप्ट को एकदम डिटेल से समझेंगे। ओके, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशंस। जैसे नाम से आपको पता होना चाहिए आइसोलेशन। अभी आइसोलेटेड वर्ड बहुत चल रहा है कोरोना के अंदर, मतलब किसी को भी क्या कर देना, अलग कर देना है मतलब। ओके, तो यहाँ पे भी जो आइसोलेशन का मतलब है वही सेम होता है कि मतलब आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट जीन वेरिएंट वाले जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशंस बनाते हैं। ओके, तो उस मतलब जो पॉपुलेशंस के अंदर जो अलग अलग जो जीन वेरिएंट होते हैं उनको, मतलब उनका क्या है, किसी वजह से क्या हो जाना है, आइसोलेट हो जाना है, अलग अलग हो जाना है। ओके, तो ये जो मेथड है इससे भी क्या होता है, ये भी स्पीसिएशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो होता है इसका जो होता है यहाँ पे होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये भी क्या करते हैं, जो जो प्री एग्जिस्टिंग जो स्पीशीज होती है उससे क्या बनाते हैं, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो अब हम इस पूरे मेथड को देखते हैं किस तरीके से ये मतलब न्यू स्पीसिएशन के अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल है। व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज स्प्लिट्स इनटू टू, मतलब जब एक पॉपुलेशन जो होती है ना उसके जो अंदर जो अलग अलग तरह की जो स्पीशीज जो है, मतलब क्या होती है, वो क्या हो जाती है, वो दो हिस्सों के अंदर क्या होती है, वो ब्रेक हो जाती है। स्प्लिट का मतलब यहाँ पे है ब्रेक हो जाना। ओके, ये स्प्लिट का मतलब टूट जाना, तो मतलब कितनी बन गई, दो पॉपुलेशन बन गई। ओके, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, फिर क्या हो जाएगा, जब वो अलग हो जाएगी तो फिर क्या हो जाता है कि उसके अलग होने के बाद में वो क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एक न्यू स्पीशीज बनाते हैं। इसे ही हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशंस के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मेथड जो होता है, मतलब वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो पॉपुलेशंस जो होती है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है, और फिर उसके बाद में ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ में क्या नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये बहुत वेरी मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, इसी को यहीं पे आपको समझना है। और फिर जब एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, किसी और थर्ड पर्सन के साथ में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे ये दोनों ग्रुप्स। ओके, और फिर ये क्या बनाएंगे, उनके साथ में रिप्रोड्यूस करके एक न्यू स्पीशीज बनाएगी, इसी को हम कहते हैं स्पीसिएशन। ओके, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स फीड ऑन बुशेस ऑन अ माउंटेन रेंज, मतलब बीटल मतलब एक क्या है कि मतलब बीटल की पॉपुलेशन को बताया गया है, और वो क्या कर रही है कि मतलब माउंटेन के ऊपर क्या करने गई है, मतलब मतलब अपना खाना खाने गई। ओके, क्या करते हैं वो, प्लांट्स को करते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या खाते हैं, वो बुशेस, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनको ईट करने गई है। ओके, सम मे स्टार्ट फीडिंग ऑन नियर बाय बुशेस फाइंडिंग एंट्री इन अ न्यू सब पॉपुलेशन, तो उनमें से कुछ जो है मतलब कुछ बीटल्स जो है वो क्या कर रही है कि मतलब मतलब अपना खाना मतलब ढूंढते ढूंढते वो क्या करती है, एक दूसरी न्यू सब पॉपुलेशन के अंदर क्या करती है, घुस जाती है मतलब। ओके, तो मतलब इसको मतलब उस नया मतलब अपना खाना खाना ढूंढते ढूंढते क्या करती है, नई जगह पे क्या करती है, एंट्री कर लेती है। ओके, अब इस पिक्चर्स के अंदर ये बीटल की पॉपुलेशंस बताई गई है। ओके, इसमें से है कि मतलब जो ये बीटल्स जो है वो क्या कर रही है कि माउंटेन के ऊपर क्या करना मतलब क्या करने गई है, फूड की मतलब मतलब खाना खाने के लिए गई। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि घूमते घूमते क्या है कि ये जो बीटल्स जो है वो बाय मिस्टेक जो होती है वो मतलब कुछ इधर आप देखेंगे कि कुछ इधर सपोज ये राइट साइड में चली गई। ओके ओके, और कुछ जो है ये इधर लेफ्ट साइड के अंदर मूव कर गई। ओके, तो मतलब क्या होता है कि फिर जब ये राइट साइड के अंदर जाती है तो वहां पे ऑलरेडी क्या होता है, पहले से ये बीटल्स प्रेजेंट है, और तो क्या करती है कि फिर ये बीटल्स जो होती है वो यहीं पे मतलब क्या करती है, इनके साथ रिप्रोडक्शंस जो है
वो मतलब स्टार्ट करके अपनी पॉपुलेशंस को इंक्रीज कर दिया है। लेकिन जो मतलब ये वाली बीटल्स और ये वाली बीटल्स जब क्या करती है कि जब रिप्रोड्यूस करती है ना, तो उससे क्या होता है कि एक नई वेरिएशंस मतलब दोनों के कॉम्बिनेशंस वाली क्या बनती है, एक स्पीशीज बनती है जो क्या होती है एकदम न्यू होती है। ओके, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ये वाली बीटल जो होती है वो भी मतलब फूड की सर्च में बाय मिस्टेक इस मतलब पॉपुले मतलब इस वाली एरिया के अंदर एंट्री करती है जहाँ ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है, मतलब पहले से एक सब मतलब दूसरी एक पॉपुलेशंस है, इसका नाम है सब पॉपुलेशंस ओके। ओके, इधर जो सब है बी, सब पॉपुलेशंस बी। ओके, मतलब ये जो है वो दोनों अलग अलग है। ओके, तो मतलब जब ये वाली बीटल्स और ये वाली बीटल्स जो होती है वो आपस में क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है यहाँ पे। तो फिर क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करने के बाद में क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग जो स्पीशीज बनेगी वो क्या बनेगी, इसके और इसके कॉम्बिनेशन वाली बनेगी। ओके, तो मतलब वो क्या होगा कि एकदम वो जो स्पीशीज जो होगी वो एकदम न्यू होगी, मतलब इन दोनों के से क्या होगी एकदम डिफरेंट होगी और नया वेरिएशन जो होगा वो एक डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब कुल मिला के ये जो पॉपुलेशंस जो है वो मतलब क्या है कि किसी भी ज्योग्राफिकल बैरियर, यहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर कौन सा है, ये माउंटेन, माउंटेन की वजह से क्या हुआ ये जो पॉपुलेशंस जो हुई वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। ओके, और दोनों मतलब जब दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई ना, तो ये इसके जो दोनों ग्रुप्स जो है वो अलग अलग मतलब क्या करने लगे, मतलब दूसरी जो पॉपुलेशन जहाँ पे ये इन्होंने एंट्री करी वहां पे इस वाली पॉपुलेशन और इस वाली पॉपुलेशन के साथ में क्या किया, मतलब रिप्रोड्यूस करना चालू कर दिया। और ये जो वाली पॉपुलेशन है ना, और ये जो पॉपुलेशन है वो एकदम क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों स्पीशीज जो बनी है वो यहाँ पे क्या है, वो एकदम नई स्पीशीज बनेगी। ओके, ये भी नई बनेगी एकदम, और ये नई बनेगी, और ये जो दोनों न्यू स्पीशीज जो होगी वो एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होगी। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि इनका जो जीन जो होंगे इनके वो एकदम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, फिर जब ये मतलब ये जो स्पीशीज होगी बाई चांस, ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज, ओके, जब बाई चांस कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, फिर वो इंटरब्रीड नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके, तो मतलब कुल मिला के अपने को यही समझना है कि मतलब आइसोलेशन होने के बाद में क्या बनती है, एक नई स्पीशीज जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है वो मैंने आपको इस पिक्चर से समझा दिया है। ओके, अब यहाँ पे यही समझाया गया है कि दे रिप्रोड्यूस विद देम सो जीन्स एंटर इन अ न्यू पॉपुलेशन। मतलब क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूस जो वो है मतलब वो बीटल पॉपुलेशन है जिनके अंदर क्या हुआ हुआ था, आइसोलेट हुआ, आइसोलेशन हुआ था। ओके, वो किन के साथ में रिप्रोड्यूस करती है, वो सब पॉपुलेशन, ये देम वर्ड जो आया है वो सब पॉपुलेशन ए और बी के लिए आया है, उनके साथ में क्या करते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, रिप्रोड्यूस करने के से क्या होता है कि मतलब जब मतलब दो अलग अलग तरह की वैरायटी मतलब जो होगी रिप्रोड्यूस करेगी तो क्या बनेगी, एक नई पॉपुलेशंस जो होगी वो क्या करेगी बनेगी, और उस नई पॉपुलेशंस के अंदर क्या होंगे मतलब जो दोनों पॉपुलेशंस जो थी ना, एक तो सब पॉपुलेशंस और एक जो अलग हुई थी, उन दोनों पॉपुलेशंस के क्या होंगे उसके अंदर जीन्स एंटर होंगे। ओके, इसकी वजह से क्या बनेगी, एकदम नई स्पीशीज का यहाँ फॉर्मेशन होगा। अल्टीमेटली द टू ग्रुप्स विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर एंड न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म। मैंने ये आपको समझा दिया कि जब वो दोनों स्पीशीज जो मतलब एक दूसरे के मतलब जो वो दोनों ग्रुप्स जो है ना, मतलब वो जो दोनों ग्रुप्स जो नए बने हैं वो क्या होंगे कि फिर वापस से एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के जो नई स्पीशीज जो बनी हैं उनके जो जीन्स जो हैं वो क्या है, एकदम अलग हैं, डिफरेंट है। ओके, तो मतलब जो अगर सपोज वो इंटरब्रीड करते भी हैं तो जो उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सरवाइव नहीं करेगा। ओके, तो इसीलिए वो इंटरब्रीड करते ही नहीं यार, करते हैं तो उनका जो ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो सरवाइव नहीं करता है। कुल मिला के मतलब क्या होता है कि एक नई स्पीशीज जो होती है वो पॉपुलेशन के आइसोलेशन होने के बाद क्या बनती है, फॉर्म्ड होती है। सिर्फ हमें यहाँ करना यही देखना है कि जब किसी भी पॉपुलेशन का आइसोलेशन होता है तो क्या बनता है, एक न्यू स्पीशीज बनती है और उसी को हम कहते हैं स्पीसिएशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस जो है वो स्पीशिएशन के अंदर
मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है या नहीं है तो हमारे को ये समझाना है, या जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो होता है वो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या नहीं, तो हमें इस चीज को समझना है। तो यहाँ पे यस, जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज लीड्स टू स्पीसिएशन, मतलब किसी भी एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मतलब एक स्पीशीज का मतलब पॉपुलेशन की जो स्पीशीज जो होती है ना, मतलब जो पॉपुलेशन होते हैं उसके जो इंडिविजुअल से मिलकर बनती है, अलग अलग इंडिविजुअल से मिलकर बनती है, यदि उनका किसी वजह से जोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है, उनका आइसोलेशन हो जाता है किसी जोग्राफिकल करेक्टर की वजह से। यहाँ पे जोग्राफिकल करेक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कोई रिवर हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकता है, कोई रोड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मतलब कुल मिला के जो ये जोग्राफिकल आइसोलेशन है किसी भी इंडिविजुअल्स का, वो उसकी वजह से क्या होता है, एक नई स्पीसी मतलब क्या बनती है, स्पीशीज बनती है, तो उसी को कहते हैं हम स्पीसिएशन। ओके, तो मतलब जोग्राफिकल आइसोलेशन जो होता है वो स्पीसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्प्लिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज इंटू टू न्यू स्पीशीज फॉलोड बाय दियर जोग्राफिकल आइसोलेशन ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब क्या होता है कि जब ये जो मतलब जब दो पॉपुलेशन का क्या हो गया है, स्प्लिटिंग हो गई है, वो अलग अलग हो गई है, उसके बाद में क्या बन गई है, नई स्पीशीज बन गई। नई स्पीशीज बनने के बाद में क्या होता है, वो भी मतलब जो नई स्पीशीज जो बनती है उसके बाद में क्या होता है, उनके अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो नई स्पीशीज बनेगी उसके बाद में वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं वो दोनों नई स्पीशीज एक दूसरे से, और उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है इसके ऊपर, और जियोग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होते हैं, इन दोनों में भी डिफरेंस आपको समझाओ तो भी आपको वहां बताना पड़ता है। तो मतलब इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज गेट सेपरेटेड इंटू टू ग्रुप्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन देम। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जब दो स्पीशीज जो होती है, मतलब एक मतलब जो पॉपुलेशन जो होती है ना, एक स्पीशीज की पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो सेपरेट हो रही है। सेपरेट होने के बाद क्या करती है, वो दो ग्रुप्स के अंदर सेपरेट हो जाती है, मतलब ठीक है। फिर ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो किसी सब पॉपुलेशन के अंदर चले जाते हैं, फिर वहां जाके क्या करते हैं वो मतलब उनके साथ में रिप्रोड्यूस करते हैं और नई स्पीशीज बनाते हैं। ओके, तो नई स्पीशीज होने के बाद में ऐसा क्या होता है कि उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है। तो मतलब जो नई स्पीशीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनका एक्यूमुलेशंस हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर वापस से जो मतलब पॉपुलेशंस की ये जो स्पीशीज जो होती है वो आपस में क्या करती है, इंटरब्रीड नहीं कर सकती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जोग्राफिकल जो आइसोलेशन होता है उसको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है। जोग्राफिकल आइसोलेशन अकर्स व्हेन अ जोग्राफिकल बैरियर प्रिवेंट्स कॉन्टेक्ट एंड ब्रीडिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। जो जोग्राफिकल आइसोलेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जोग्राफिकल बैरियर की वजह से होता है। और ये जो जोग्राफिकल बैरियर जो होता है वो किसके बीच में बनता है, जो पॉपुलेशंस जो होती हैं उनके मेंबर्स के बीच में क्या बनता है, जोग्राफिकल बैरियर बन जाता है। ओके, तो उस जोग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या करते हैं, ये जो पॉपुलेशंस के जो मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ना तो कांटेक्ट में आ सकते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तब तक वो क्या करेंगे, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ओके, इंटर ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसी को हम कहते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन के मेंबर्स जब किसी जोग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या कर सकते हैं, कि वजह से ना तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह का जो आइसोलेशंस होता है उसको हम जोग्राफिकल आइसोलेशंस कहते हैं।
अब ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जियोग्राफिकल बैरियर्स कैन इंक्लूडेड कौन कौन से हो सकते हैं? बॉडीज ऑफ वाटर, इसके अंदर रिवर आ सकते हैं, पॉन्ड आ सकती है, लेक कुछ भी आ सकता है. माउंटेन रेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं. ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट, सिटीज एंड रोड्स जो हैं वो सब जियोग्राफिक बैरियर्स के अंदर इंक्लूडेड किए जा सकते हैं. इसकी वजह से क्या होती है कि कोई भी जो दो पॉपुलेशंस जो कोई भी एक पॉपुलेशंस जो होती हैं वो क्या हो जाती है, दो ग्रुप के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनकी वजह से. तो ये क्या है, एक जियोग्राफिकल फीचर्स है. तो इसकी वजह से अगर कोई पॉपुलेशंस के अंदर स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं. ओके, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कैन क्रिएट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. यदि जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होता है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है कि व्हेन आइसोलेटेड ग्रुप्स कम बैक इनटू कांटेक्ट, दे डो नॉट इंटरब्रीड. मतलब किसी वजह से, मतलब क्या हुआ है, वो आइसोलेट हुआ है. आइसोलेट का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशंस के मेंबर किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या हुए, सेपरेट हुए. ओके, लेकिन फिर कभी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो है वो इंटरब्रीड नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो इसको ही हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जब वो एक दूसरे से आइसोलेट हो गई थी ना, मतलब जब उनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया था, उसके बाद वो किसमें, मतलब रिप्रोड्यूस करके उन्होंने क्या बनाई, न्यू स्पीशीज बनाई. और जब वो मतलब जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है ना, तो वो एकदम क्या होती है, दोनों जो होती हैं, दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो दोनों दो डिफरेंट न्यू स्पीशीज बन के एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. तो इसकी वजह से क्या करते हैं, वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं. ओके, तो इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मतलब वो रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं इस. ओके, अब इसी चीज को जियोग्राफिकल आइसोलेशन और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है इसको हम बीटल की पॉपुलेशन से समझ लेते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले इस पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई गई है, बीटल की पॉपुलेशन दिखाई गई है. ओके, तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि बहुत सारी बीटल्स जो है, इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की बीटल्स आपको दिखेगी. फिर क्या हुआ, रिवर अराइजेस इफेक्टिवली स्प्लिटिंग द पॉपुलेशन. फिर क्या हुआ, किसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ होगा यहाँ पे. मतलब तो उसके अंदर क्या हुआ कि ये एक रिवर बन गई, और रिवर के बनने के बाद में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन के जो कुछ मेंबर थे वो इस तरफ रह गए, और मतलब रिवर के इस तरफ रह गए, और कुछ पॉपुलेशन के मेंबर्स जो है वो इस तरफ रह गए. मतलब यहाँ पे बीटल पॉपुलेशन, मतलब कुछ बीटल्स इधर की तरफ है रिवर के, और कुछ बीटल्स जो है वो इधर की तरफ है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, पॉपुलेशन का आइसोलेशन हो गया. लेकिन ये आइसोलेशन किसकी वजह से हुआ है, रिवर की वजह से हुआ है. तो ये रिवर क्या है, एक ज्योग्राफिकल बैरियर है. इसीलिए इस तरह का जो आइसोलेशन जो होता है उसको हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो पॉपुलेशन जो दोनों सेपरेट हुई थी, मतलब ये वाली पॉपुलेशन और ये वाली पॉपुलेशन दोनों सेपरेट हुई थी, तो लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये वाली पॉपुलेशन जो होती है वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है. ओके, रिप्रोड्यूस करने के बाद में क्या करती है, अपनी पॉपुलेशन को क्या करती है, इंक्रीज करती है. ओके, आप यहाँ पे देखेंगे नंबर इंक्रीज हो गया है. ओके, फिर क्या होता है कि इनका नंबर जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा. और जैसे जैसे, मतलब क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना इनका, तो इनके अंदर क्या हो गया, वेरिएशंस जो होगी वो क्या होगी, डेवलप होगी. ओके, तो उसके वेरिएशन की वजह से जो एट लास्ट, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो हमें मिलेगी वो एट लास्ट हमें क्या मिलेगी, न्यू स्पीशीज मिलेगी. ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से जो सेम प्रोसेस जो होगा वो भी इधर की तरफ भी ऐसा ही होगा. ओके, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो वाली जो बीटल्स है वो भी क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी. रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशंस को इंक्रीज करेगी. इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि उनके अंदर जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे, वेरिएशंस जो होते हैं वो डेवलप होंगे. क्यों, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है कि कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो आता है, और फिर धीरे धीरे ये वेरिएशंस क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है, और फिर जब ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो क्या बनाता है, एक न्यू स्पीशीज बनाता है. तो कुल मिला के यहाँ पे ये हुआ कि आफ्टर मेनी जनरेशंस ईच पॉपुलेशंस इवॉल्व जेनेटिक डिफरेंसेस. मतलब ये हुआ कि मतलब बहुत जनरेशन के बाद में क्या हुआ कि मतलब जो पॉपुलेशंस बनी ना इनकी, वो एक क्या हुआ, एक नए जेनेटिक डिफरेंसेस के साथ में पैदा हुई. मतलब एकदम न्यू स्पीशीज जो है वो बनी. ओके, इस पिक्चर्स में ये बताया गया है.
फिर ये बताया गया है कि मतलब क्या हुआ कि आफ्टर द रिवर ड्राइज अप जेनेटिक डिफरेंसेस प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। फिर क्या हुआ कि ये रिवर जो है, ये जो ज्योग्राफिकल बैरियर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो इस लास्ट पिक्चर्स में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें इसलिए नहीं दिखाई दिया होगा कि वहां पे क्या हुआ होगा कि फिर बहुत पानी की कमी हो गई होगी और फिर ये रिवर जो क्या हो गई वहां पे ड्राई हो गई, मतलब सूख गई। तो सूखने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों स्पीशीज जो है वो क्या हुई, एक दूसरे के क्या हुई, कॉन्टेक्ट में आई। ओके, ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज। ओके, तो ये दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आई। लेकिन कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या हुआ कि जब ये कॉन्टेक्ट में आई तो ये भी स्पीशीज क्या थी, न्यू स्पीशीज थी। ओके, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मतलब इसके जो मतलब ये जो स्पीशीज जो बनी ना, इसका जीनोटाइप अलग था और ये जो स्पीशीज जो बनी इसका भी क्या था, जीनोटाइप ये मतलब क्या था, डिफरेंट था। ओके, क्यों? क्योंकि मतलब ये था कि मतलब ये क्या है कि ये जब बीटल्स बनी तो इनका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग था, तो उसके अंदर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया जैसे वेरिएशंस डेवलप आए, तो एकदम नई स्पीशीज बनी। दोनों मतलब कुल मिला के क्या है, नई स्पीशीज बनी। लेकिन जब ये ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म हो गया और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आई तो मतलब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं किया। है तो एक ही तरह की बीटल्स, लेकिन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या हुआ कि मतलब बहुत टाइम तक ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से सेपरेट हो गई थी। इसकी वजह से इन दोनों में वेरिएशंस डेवलप हुए, वेरिएशंस डेवलप होने की वजह से एकदम नई स्पीशीज बनी और नई स्पीशीज बनने के कारण इनके बीच में क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस भी हो गया। ओके, मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड नहीं किया। ओके, तो इस पिक्चर्स में आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन थी वो बीटल पॉपुलेशन ही है, और ये आप में लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये भी बीटल पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो बीटल पॉपुलेशन जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये एकदम क्या है, न्यू है, एकदम डिफरेंट है। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे, ये दोनों मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पॉपुलेशंस थी उसके अंदर क्या थे, मेंबर्स जो थे वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जब इन मेंबर्स के बीच में क्या हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, और उस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ये एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि इस पिक्चर से आपको क्या हुआ होगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, अब देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज एब्सेंस एब्सेंस ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ए पॉपुलेशन। तो मतलब जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है उस वो क्या होता है, जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जब पॉपुलेशन की जो डिफरेंट स्पीशीज जो होती है, जब उसके मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरब्रीड करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो होता है वो होता है ज्योग्राफिकल बैरियर। इस ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से ही क्या होता है कि जो दो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, इंटरब्रीडिंग जो होती है वो बंद हो जाती है। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, भले वो पॉपुलेशन के एक ही मेंबर्स हो, ओके, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर हो, लेकिन ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है, और उसकी वजह से वो इंटरब्रीड नहीं करते हैं, एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो डेफिनेशन वाला कंसेप्ट है वो भी आपको मतलब समझ में आ गया होगा, और इसका एक जो मतलब क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। ओके, ये आपकी एक एनसीईआरटी की बुक में एक ये पिक्चर्स दिया गया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब जो बीटल्स जो हैं, मतलब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 मतलब क्या दिखाई गई, 4 पिक्चर्स दिखाई गई है, लेकिन ये यहाँ पे रेड कलर की बीटल्स का क्या है, पिक्चर्स है, और यहाँ पे जो ये बीटल्स जो है वो थोड़ी क्या है, मोटी है। ओके, फिर यहाँ पे ये 2 पिक्चर्स जो आप देखेंगे इसमें पतली है। ओके, फिर ये जो बीटल्स देखेंगे इसमें वापस हेल्दी है। ओके, तो ये जो पिक्चर्स पहली बात तो ये शो कर रही है, दूसरी पिक्चर्स ये दिखा रही है कि जैसे ये मतलब पतली हो गई है, मतलब ओके, साइज के अंदर, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या हो रहा है कि ज्योग्राफिकल मतलब किसकी वजह से ये पतली हुई, इनको या तो खाना नहीं मिला होगा या मतलब कोई और दूसरी कंडीशंस जैसे वहां पे हो सकती है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, माइग्रेशंस नहीं किया है। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, आपको ये क्या दिख रही है, पतली दिख रही है। ओके,
लेकिन फिर बाद में आप वापस ये देख रहे होंगे कि वापस ये कुछ टाइम बाद क्या हो गई है, मोटी हो गई है, हेल्दी हो गई है. ओके, तो मतलब कुल मिला के इन्होंने माइग्रेशन नहीं किया. तो मतलब माइग्रेशन करने का मतलब इन्होंने कोई भी मतलब ये किसी भी तरीके से क्या हुई है, आइसोलेट नहीं हुई, मतलब किसी के तरह का कि मतलब इनके बीच में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हुआ है इन बीटल्स के बीच में. ओके, ये जहां है वहीं की वहीं आपको दिख रही है, लेकिन इनका जो साइज जो है इसके अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, और ना ही किसी तरह का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो रहा है वो आपको दिख रहा है. मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब यहाँ पे आपको जो रेड कलर की जो बीटल्स है वही, मतलब ये जो रेड कलर की बीटल्स जो है मतलब वो आपको दिख रही है, मतलब इनका जो जेनेटिक जो डिफरेंसेस जो है वो इसके अंदर बिल्कुल शो नहीं हो रहा है. मतलब कहने का मतलब आता है कोई स्पीशीज जो है वो यहाँ पे इसमें फॉर्म्ड नहीं हो रही है, इस पिक्चर्स में आपको ये दिखाया गया है. ओके, अब समझते हैं क्यों इनका साइज ऐसा ही है, फिर बाद में हेल्दी हो गई है, तो इसको अब आपको समझ लेना जरूरी है. तो एज द पॉपुलेशन ऑफ बीटल इंक्रीजेस द बुशेस सफर फ्रॉम अ डिजीज एंड अवेबिलिटी ऑफ फूड फॉर बीटल डिक्रीजेस. अब इसमें ये बताया गया है कि मतलब ये जो बीटल का जो साइज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हेल्दी है. फिर क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पे हेल्दी है क्योंकि आप देखेंगे कि इनके जो पीछे का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है. मतलब यहाँ पे जो जिस बुशेस के अंदर वो देख मतलब है वहां पे, वो इनसे इनको खाना जो है वो प्रॉपर अमाउंट पे मिल रहा है. लेकिन जब ये सेकेंड और थर्ड कंडीशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके अंदर देखेंगे जो पीछे का बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है आपको, लाइट ग्रीन, मतलब वहां की जो बुशेस जो हो गई है वो क्या हो गई है, सूख गई है इन दोनों कंडीशन के अंदर. तो मतलब इसकी वजह से इनको खाना प्रॉपर नहीं मिला है, तो इसकी वजह से इनकी हेल्थ डाउन हो गई है और ये पतली पतली सी आपको दिखाई देंगी. लेकिन लेकिन वापस से ये जो कंडीशंस जो है थर्ड कंडीशंस, इसमें ये बताया गया है कि वापस जो आप देखेंगे बैक का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, मतलब ग्रीन हो गया, मतलब वापस से जो बुशेज जो है वहां का जो एनवायरनमेंट जो है वो वापस से कैसा हो गया है, अच्छा हो गया है. तो इनको खाना वापस से प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, तो ये वापस जो बीटल्स जो है वो क्या हो गई है, हेल्दी हो गई है. तो यहाँ पे यही समझाया गया, सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से जो है इनके साइज के अंदर क्या आया है, डिफरेंसेस आया. आप ये मत समझिए कि मतलब ये जो स्पीशीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है तो ये कुछ नया स्पीशीज फॉर्म्ड हो गई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है. द साइज ऑफ द बीटल्स डिक्रीजेस बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स एज द प्लांट डिजीज इज एलिमिनेटेड एंड इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर द बीटल्स एज दे कम बैक टू दियर नॉर्मल साइज. दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नॉट इनहेरिटेड. मतलब इसके अंदर वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी वही है कि पहले बीटल का जो साइज जो हुआ था वो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, लेकिन फिर वापस से क्या हुआ, क्यों हुआ था वो प्लांट, मतलब उनका साइज डिक्रीज, क्योंकि जो जिस बुशेज में वो रहती थी वो हो सकती थी किसी डिजीज मतलब की वजह से क्या हो गए थे, वो सारे के सारे प्लांट सूख गए थे, और सारे प्लांट अगर सूख जाएंगे तो बीटल्स को जो फूड जो होगा वो क्या होगा, नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे वो डिक्री, मतलब उनका जो साइज जो होगा, उनकी हेल्थ जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी. लेकिन जैसे ही प्लांट मतलब जो प्लांट के अंदर जो डिजीज थी वो एलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई, तो वापस से बीटल्स को जो है वो फूड जो है वो मतलब मिलने लगा. और वो वापस क्या हो गई, अपने नॉर्मल साइज के अंदर आ गई. तो ये जो इस तरह का जो चेंजेस जो होता है ना साइज के अंदर छोटा और बड़ा होना, ये यहाँ पे यही समझाया गया है इस पिक्चर से कि ये जो करेक्टर्स जो है वो इनहेरिट नहीं होता है, जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाता है. सिर्फ अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती है यदि खराब होती है तो जो मतलब जो उसके ऊपर इफेक्ट आता है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है. अब ये पिक्चर्स है कि मतलब यहाँ पे आपको दिख रही है रेड कलर की बीटल्स. इस पिक्चर्स में आपको दिख रही है रेड कलर की बीटल्स, और जो लास्ट में जब आपको जो पॉपुलेशंस मिल रही है बीटल्स की वो भी क्या है, रेड कलर की बीटल्स ही है. तो इसका कहने का मतलब ये है कि नो जेनेटिक चेंजेस हैज अकर्ड इन द पॉपुलेशंस ऑफ बीटल. मतलब ये जो बीटल्स जो आपको मिल रही है ना वो मतलब इनकी पॉपुलेशंस के अंदर क्या है, किसी भी तरह का मतलब क्या हुआ है, जेनेटिक चेंजेस नहीं हुआ है. अगर जेनेटिक चेंजेस आता ना तो मतलब क्या होता कि मतलब इसके बाद में ये जनरेशन आई, इसके बाद में ये जनरेशन आई, ये जनरेशन के बाद में ये जनरेशन आई. अगर कुछ भी जेनेटिक चेंजेस आता, मतलब ये बीटल्स जो क्या रही है, रिप्रोडक्शन तो कर रही है, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता कि यदि इनके अंदर जेनेटिक चेंजेस आते हैं ना तो उसके अंदर क्या आते, वेरिएशंस डेवलप आते जनरेशन टू जनरेशन, और लास्ट में जो आपको पॉपुलेशंस मिलती है तो उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएशंस डेवलप होता है. लेकिन आपको यहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएशंस डेवलप होने को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेरिएशंस डेवलप होने का मतलब कोई भी अलग कलर की बीटल्स जो है वो आपको नहीं यहाँ पे दिख रही है. मतलब कहने का मतलब जो जेनेटिक चेंज जो है वो यहाँ पे इसके अंदर शो नहीं होता है.
पॉपुलेशंस गेट अफेक्टेड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशंस ओनली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। मतलब ये जो पॉपुलेशंस के अंदर जो इफेक्ट आया है, मतलब इनके साइज के अंदर जो चेंजेस आया है, वो सिर्फ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आया है। ओके, वो एनवायरमेंटल चेंजेस क्या थे? उनको फूड की जो मतलब किसी की वजह से बारिश नहीं होगी, मतलब प्लांट जो हो गए होंगे उनको कोई डिजीज हो गई होगी, तो फूड जो है वो प्रॉपर मात्रा में क्या हुआ, उनको अवेलेबल नहीं हुआ। ओके, तो इस कंडीशन में यही बताया गया है कि मतलब इसके अंदर क्या है, कोई भी न्यू स्पीशीज जो है वो फॉर्म्ड नहीं होती है। तो मतलब ये एग्जाम्पल देने का यहाँ पे यही मतलब है कि मतलब ये जो बीटल पॉपुलेशन थी, मतलब कुल मिला के ये जो बीटल पॉपुलेशन थी, इनके अंदर क्या है कि फूड की मतलब क्या हो गई थी, इनको बराबर खाना नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने माइग्रेशन नहीं किया, माइग्रेशन नहीं किया, सिर्फ वो उसी प्लेस के ऊपर रही। ओके, तो उसी प्लेस के रहने के मतलब रहने का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर बीटल पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ, किसी भी तरह का आइसोलेशंस नहीं हुआ, मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस नहीं हुआ। ज्योग्राफिकल आइसोलेशंस नहीं हुआ तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस नहीं हुआ, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस नहीं हुआ तो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी न्यू स्पीशीज के लिए किस तरीके से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, उसको इस एग्जाम्पल से समझाया गया है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और नोटिफिकेशन बेल को यदि आप दबाते हैं तो आपको हर वीडियो का जो अपडेट जो होगा वो मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।